अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुख हुआ, बहुत दुख हुआ उस भाई की जिनकी बेटी है ये, जिन्होंने भेजा है हमें वीडियो। और जैसे हम हैरान है ना कि क्या है, आप देख रहे हैं बहुत पेनफुल है यार, मैं तो बहुत पेन महसूस कर रहा हूँ यार। बात यह है कि ऐसा था नहीं कुछ, जो अब हो गया है। ये जो मैं आपको अर्ज करूँ, ये यही बच्ची है। कौन ये? इसी पैदाइशी तस्वीर है ना, ये 6 महीने उम्र है इनकी अभी। इनकी 6 महीने उम्र है, ये वही बच्ची है। बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, तो बिल्कुल नॉर्मल थी ये, बिल्कुल नॉर्मल थी। जो वीडियो आपने देखी उनकी उम्र 3 साल है ये। और इनके घर में कहीं से खून के छींटे आए, जिसके बाद से ये अजीब सी तबीयत कह लें, अजीब सी बीमारी कह लें, जिसका डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर्स ने डायग्नोस नहीं किया, हुआ क्या ये पता नहीं। सीना पूरा अंदर जा रहा है, पसलियाँ कहाँ हैं इस बच्ची की? मतलब फेफड़े इतने अंदर जा रहे हैं, मतलब एक पसलियाँ होती ना, अगर सांस बंदा ले तो दिल होता है यार। हाँ दिल होता है, चीज़ें होती हैं अंदर, इतना अंदर गहराई में कैसे हो सकता है यार? ये मेडिकली कोई मेडिकल इशू तो नहीं है इनको? जेनेटिक कोई मेडिकल? जेनेटिक कहाँ से हो, देखिए ना ये तो नॉर्मल है। 6 महीने की बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ सामने है आपके, ठीक है। 6 महीने की बच्ची माशाल्लाह, और जहाँ वो 3 साल की पहुँचती है वो आपके सामने, ये देख सकते हैं आप हर तरह से सेहत से बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ ठीक। चम्मा की शरारत की बच्ची की रौनक रौनक है बच्ची से। और जहाँ आप उधर आते हैं गौर कीजिएगा, पसलियां तक अंदर जा रही है सजाद भाई। ये कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, मुझे ये बस ये लग रहा है कि बच्ची को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत तो नहीं है क्या? मतलब ये है किस एरिया में, इसकी तफसील तो बताएं इनके बारे में। और ये अभी ये आपने दिखाया था इनकी जो फैमिली है वो तो माशाल्लाह से, वाली साहब तो बड़े पढ़े लिखे और बहुत समझदार लग रहे हैं मुझे। हर तरह से बहुत समझ, बहुत ख्याल, कोशिश, सब कुछ। इनकी ऑडियो मैसेज मैं सुनाऊँ आपको, जिन्होंने भेजा, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बच्ची है जिनकी, इनकी बेटी है ये। हाँ माशाल्लाह, ये तो ये इनकी बड़ी बेटी है। अच्छा माशाल्लाह, जो बिल्कुल ठीक है, सही, वो भी ठीक थी, सही। बस जो तो पढ़े लिखे एजुकेटेड लग रहे हैं माशाल्लाह, फ्रेंडली। ये देखें एक एनवायरनमेंट, माहौल। और लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ आके थोड़े से परेशान हो जाते। ये वही बच्ची है 3 साल। अच्छा 6 महीने के बाद उस बच्ची की कोई 2 साल की तस्वीर नहीं भेजी उन्होंने? नहीं, वो है और इनकी फैमिली की भी तस्वीर है, आप देखें ना, हमसे शेयर किया उन्होंने। माशाल्लाह जो कहते हैं ना हैप्पी फैमिली, ये मौजूद है हैप्पी फैमिली, माशाल्लाह देखें आप। ये मुझे लग रहा है 6 महीने और 3 साल के बीच की तस्वीर है। बच्ची में अचानक ही कोई प्रॉब्लम हुआ है बच्चे जल्द ही? आपको सुनाता हूँ, ये सुनिए जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स भाई, आपने मेरा मतलब कि मेरी बेटी के बारे में मतलब जल्दी आगे शेयर करने के बारे में कहा, मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरे ये पैगाम पढ़ा। और ये मेरी बेटी, मैं अब मजदूरी में हूँ, मजदूरी करता हूँ, मतलब मिडल कराने से हूँ, लेकिन इसका कोई हल बता दें अल्लाह पाक, बस आपकी दुआओं से, पता नहीं किसकी दुआओं से अल्लाह पाक मेरी बच्ची की हालत पर रहम फरमा दें, बस दुआ करें, मुझे दुआओं की ज़रूरत है। हौसला नहीं टूटा 3 सालों से मेरा, लेकिन अब भी ना बस दिल ऐसा है कि जैसे मेरे साथ मेरी वाइफ दिल छोड़ते जा रही है। नहीं, दिल तो खैर नहीं छोड़ना, अल्लाह की रहमत से तो हर पल सर रखनी है। डिटेल और बता रही, जब ये मेरी बेटी पैदा हुई थी तब की मैंने पीके भेजी है, और उसके बाद की भी
बड़ी बेटी मेरी बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई मसला नहीं था, लेकिन ये जब से ये खून के छींटे आए हैं, ये छोटी बेटी पैदा हुई है ठीक थी, तो लेकिन ये बाद में हमारी फैमिली खुश थी, हम बहुत खुश थे, हमारी शादी हुई है, सब खुश हैं, सब ठीक है, मेरे घर वाले सब माशाल्लाह, मेरे अम्मी अब्बू फौत हुए हैं, लेकिन ये मसला समझ नहीं आ रहा मेरी छोटी बेटी का। मैंने अपनी बड़ी बेटी की भी पिक्चर भेजी है आपको, और ये छोटी बेटी की मैंने अपनी फैमिली की भी पिक्चर भेजी है, प्लीज आप मेरे लिए कुछ बेहतरी बताएंगे। ये किस एरिया में रहते हैं? मेरे ख्याल से कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई, ये मैं अपनी बेटी की एक और पिक सेंड कर रहा हूँ, जो बाकी मेरे से मतलब कार्ड रिमूव हो गया था, ये जब 6 माह की थी, ये वही बेटी है, जब ये 3 साल की होगी, अभी सही नहीं हुई, ये 6 माह की थी माशाल्लाह, ये सही हेल्थी थी, लेकिन डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा इसे क्या होगा, हमें भी नहीं समझ आ रहा। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा कि इसे क्या हुआ है। बता रहे हैं एक बहुत खुशहाल फैमिली, अच्छी फैमिली, माशाल्लाह खुश बेटियों पर, एक नहीं दो बेटियां, बहुत खुश, 6 महीने तक सब बेहतर, अच्छा, मिडिल क्लास, लेकिन मौज में, सुकून में, खुशहाली में, शुक्रगुजारी में, अभी भी माशाल्लाह कह रहे हैं हिम्मत नहीं टूटी मेरी, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि देखकर आप पर क्या गुजर रही है, देखने वालों पर क्या गुजर रही है, तो जिनकी अपनी औलाद होगी उस उन पर क्या गुजर रही होगी। तो बात यह है कि फिर बंदा क्या करता है, बंदा डॉक्टर से रुजू करता है, फिर बंदा डॉक्टरों से रुजू करता है, वहां से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि अक्ल समझ से बालातर चीज है, ये पसलियां है ना शिराज पे, ये ज्वाइंट है एक, ये हमारी केज कह रहे हैं ना इसको, दिल को बचाया हुआ है, यहां से ये पसलियां जो है ये जुड़ी हुई है ना आपस में, इस देख के लग ऐसे रहा है कि ये अपनी जगह पे है, यहां से ये सब टूटी नहीं है, ये अंदर जा रही है और बाहर आ रही, इलास्टिक है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है इलास्टिक हो रही है, इसमें इलास्टिक होती नहीं है, ये तो पूरा परमानेंट है एक तरीके से ना, ऐसा लग रहा है कि ये तो शायद या तो इतनी यहाँ जो हड्डियां हैं या तो वो नरम हो गई हैं बहुत ज्यादा, है ही नहीं, या तो यहाँ से अलग हो गई हैं, और दुख इस बात का है कि बच्ची को तकलीफ होती है, दर्द होता है, दुख इस बात का है कि ऐसा नहीं कि चलो जी एक चीज है वो पता नहीं बस हो रही है, वो तकलीफ के साथ हो रही है, हर लम्हे की तकलीफ है यार, मतलब खाना पीना मुश्किल है, चलना फिरना मुश्किल है, उठना बैठना मुश्किल है, बहुत वीक है यार, मतलब कोई कैल्शियम की कमी तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज, अल्लाह इनको डॉक्टर को डायग्नोस करने की तौफीक दे यार, जल्द से जल्द इस बच्ची का इलाज हो। अच्छा जैसे मैं पहले भी कहा है दोबारा कहता हूँ ना कि हमारे देखने वालों में जो लोग मौजूद हैं वो जैसे आपके दिल पर गुजरी एक एहसास, एक तकलीफ आपको महसूस हुई, दिखाने का मकसद या जो लोग हमें भेजते हैं, जो हम शेयर करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते वो किसी के लिए क्या करें। सही बात है, सिर्फ इस बात पे यकीन है कि हमारे देखने वाले मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग ढूंढने से नहीं मिलेंगे, बेशक। अब मकसद क्या, उन तक ना पहुंचने का जरिया और एक एक बात डिटेल के साथ पहुंचने का जरिया उन्हीं में से ही, तमाम देखने वालों में ही जब दुआ निकलती है ना, तो अल्लाह पाक जब देखते हैं, इज्तमाई दुआ जब एक होती है, जैसे हम बाजमात नमाज में कहते हैं जी एक इज्तमा में दुआ अल्लाह को पसंद है, इतने ढेरों लोग बड़ी बड़ी इबादत गाहों में, तो जब इज्तमा की सूरत में कोई दुआ निकलती है तो अल्लाह पाक फिर जो है ना किसी एक की सुनकर करम फरमा देते हैं, जैसे पहले भी फरमाए, उन्होंने क्या कहा 7 साल से, 2 साल से, कितने अरसों से, कितने पैसे, क्या कुछ, और यहाँ ये हुआ और हम ठीक हो गए, हालांकि ना आपने कुछ किया ना मैंने कुछ किया, कुछ भी नहीं, खुद ब खुद ही हो गए, इधर ना कोई ना लेना है ना देना है, तो है ना, ना लेने की कोई जरूरत ना देने को कुछ है, तो बड़ी इन्होंने उम्मीद से, पता नहीं कहते हैं मेरे दिल में अल्लाह ने डाला कि जी आप तक ये पहुंचाए,
मैं आपको डिटेल के साथ फैमिली शेयर करती यार, पूरी फैमिली शेयर करती कि जी ये हमारी फैमिली थी, ये हो गया, और समझ नहीं आ रही। नहीं चाहिए पैसे, पैसे नहीं चाहिए, वो नहीं है तकाजा खुदा ना खास्ता। माशाल्लाह सही हो जाए बस, भाई जो है जिम्मेदार से कहते हैं ना, पता चल रहा है जी, फेस कट से चीज उसे आंखों से दिखाइएगा आप तो मैं माशाल्लाह वो एक मौतबर आदमी लग रहे हैं, खुददार आदमी लग रहे हैं, मेहनत वाले लग रहे हैं, चेहरे पे सब चीजें आती है ना, आया होती है ना। कोई वो बात नहीं है कि जी कोई खुदा ना खास्ता वो मसला है, उस हवाले से तैयार है, खानदानी लोग लग रहे हैं माशाल्लाह। पता तो चले कि भाई मसला है क्या। सही, डॉक्टरों जो है ना वो जो है नहीं समझ आ रही बात, समझ से बाला तर उनके। लेकिन बेशक यार, बेशक करामात हुई है, हुई है करामात यार, दफनाते में लोग जिंदा हो गए हैं यार। सही सही सही, हमारे अपने दोस्तों के वाकियात हैं, वो दफना रहे हैं, कब्र में डाल रहे हैं उनको, वहां वो जिंदा हो गए, डिक्लेयर कर दिया डॉक्टरों ने कि जी हीज नो मोर, वहां उनमें सांस आ गई। सही बात, ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं यार, गाड़ी का पुर्जा नहीं बचा, बंदा बच गया, उसको खराश नहीं आई। सही बात है, ऐसे हादसा हुआ छठी मंजिल से, तो हमारे अपने कारी साहब के रिश्तेदारों के साथ हुआ, छठी मंजिल से गिरा है बंदा यार, काम करते हुए कंस्ट्रक्शन में। सही है यार, जिंदा हो सकता है छठी मंजिल से, मंजिल बहुत ज्यादा है, और जमीन पे गिरना आ गया। तो बात यह है, जो वो चाहे जैसा वो चाहे, कारसाज है यार, उनके लिए क्या मसला, उनके लिए क्या बड़ी बात है यार। बस अल्लाह पहुंची है जी बात हम तक, आप तक। हमें जो दिख रहा है वही दिख रहा है कि जो साइड की पसलियां हैं, ये जो बीच में एक सिरात भी गोल दायरा है ना, ये जैसे ऐसे, जैसे ऐसा लगता है जैसे यहाँ से तमाम हड्डियां मतलब ऐसे हो गई, जो ये थे ना एक, ये समझ लें ये ऐसे हो गया मेरे ख्याल से, ये सांस के साथ ऐसे ऐसे हो गया। ये बाकी यहां तक का जो क्या कहा आपने उसको, केज यहां तक है, मतलब इधर तक है केज, ये जो जगह है ये अंदर बाहर हो रही है ऐसे, जैसे या तो ये कुछ यहाँ की हड्डियां जो है या तो वो बिल्कुल ही गल गई हैं, नरम हो गई हैं, या यहाँ से टूट चुकी हैं, और यूं लग ऐसा रहा, देखिए लग रहा है ये इलास्टिक भी लोग हैं, मतलब कैल्शियम की कमी, इंतहाई कमी लग रही है, जिसमें हड्डियों कोई एक बीमारी भी होती है कि जो हड्डियों पे ना जब यूरिक एसिड शायद कम होता है ना, तो बंदों को झटके भी लगते हैं, मतलब हड्डियों में ना अचानक ही ना, तो जो मेरे इलम में है, तो अल्लाह करे बस बच्ची को कोई जहरी बीमारी हो ताकि वो उसे मेडिसिन से हो जाए रिकवर। अच्छा, अगर कुछ ऐसे मामलात हैं भी इनके साथ, तो उन्होंने कोई रूहानी इलाज कराया इसका? बेशक कराया होगा, मुझे ये कंफर्म इन्होंने तो नहीं कहा, सही, लेकिन बेशक कराया होगा, उसके बाद ही शायद इधर पहुंचे। डॉक्टरों का जब जिक्र करते हैं ना आप, तो जब हमें भेजने का मतलब क्या है, सही, अगर हमसे राबता किया तो उससे पहले यकीनन गुजरे होंगे उन मराहिल से। जरिया यार कोई बन जाए, सही बात है यार, जरिया कोई बन जाए यार, मासूम है, बहुत मासूम है यार, 3 साल की बच्ची मासूम है। अच्छा, पहले मेरे दिमाग में आ रहा था कि डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, लेकिन आपने जो पैदाइश की तस्वीर दिखाई, बच्ची प्रॉपर नॉर्मल है। आप दिखाइएगा वो तस्वीर दोबारा, की जो 6 महीने तक माशाल्लाह हेल्दी बच्ची है, बच्ची एक्टिव बच्ची, आंखों में शरारत की चमक। अब ना जैसे उन्होंने भी कहा ना कि यार खून के छींटे आए घर में, मैंने महसूस किया कि जब वो बता रहे थे कि हम बहुत खुश थे, तो आप भी शायद परेशान हुए थोड़े से, क्या आपको लगा कि हसद किसी ने कोई जादू? मैंने सबसे पहले पूछा कि रहते कहाँ हैं, क्योंकि बस हैं मामला ना ऐसे कि ना ये हसद बहुत है लोगों में ना, कुछ इलाकों में बहुत हसद है सजाद भाई। बेशक बेशक यार, मुझे पहले नहीं यकीन होता था इस बात पे कि ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने देखा ना अपनी आंखों से, तो बेशक वो बात है ना, मिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद, ऐसी नहीं उतरी यार। बेशक। अच्छा जी, एक बार जरा गौर से देख लेते हैं, दिखने में क्या लगता है, समझ से बालातर है कि डॉक्टर्स के मुताबिक नहीं समझ आ रही कि बात है, एक्सरे भी हुए होंगे, यकीनन हुए होंगे, और देखें अच्छा हार्ट बीट नॉर्मल है, मेरे ख्याल से इस वजह से एक वीकनेस सी, कमजोरी सी,
पोलियो तो नहीं कहेंगे इसको? पोलियो में टांगों का होता है, टांगे बहुत पतली हो गई है, वो तो कमजोरी से लेकिन वो बाजू में बिल्कुल सेम जा रहे हैं। अब मेरे ख्याल से यहाँ का जो ऐसा तो नहीं शायद भी यहाँ का जो मामले पेट जरा फूला हुआ है, ऐसा तो नहीं कि इधर की चीजें थोड़ी सी नीचे आ गई हो? पेट तो सजा में जो ये फूला हुआ है ना, पेट की वबा भी होती है, बीमारी आती है ना पेट में, देखिए तो वो फूल जाती है थोड़ी सी। देख रहे हैं ना ये जी यहाँ की ये जो हड्डी है, ये जो अंदर आपका है, ये अंदर आ रही है जा रही है यार, यहाँ तक ठीक है। मैंने नहीं देखी है ऐसी, सर नहीं देखी ना, अभी नहीं देखी। कुछ बच्चे ऐसी कंडीशन में पैदा हुए हैं तो वो एंड तक रहते हैं, जैसे दिल बाहर रह गया या कुछ पुराना खासा सुराख रह गया या दिल, उसके भी ऑपरेशन हो जाते हैं, लेकिन बच्ची नॉर्मल पैदा हुई है। और बाद में ऐसा बच्ची के साथ क्या हुआ जो बच्ची इस कंडीशन में पैदा हुआ? अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई चोट, कोई भारी चीज आके गिरती चेस्ट पे, कुछ ऐसा होता, जिक्र करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सडनली हुआ है। चेस्ट पे गिरती ना तो फेस पे नहीं आते। अब एक कोई चीज है जो फॉर्मेशन सर के बाल से लेके पैर तक जा रही है, आप देखिए ना बच्ची का फेस भी चेंज हुआ है, वो तकलीफ आंखों में भी है वो चीज। अगर आपकी हाथ की हड्डी टूट जाए ना, आपके हाथ की हड्डी में असर आएगा ना, पूरी बॉडी में थोड़ी आएगा, ये पूरी बॉडी में असर आएगा। इस वजह से जो तकलीफ है ना जी, वो खाने पे भी असरअंदाज है, वो आपकी हाजमे पे भी असरअंदाज है, आपके जब चहल पहल ही नहीं है, हर चीज में आपको दर्द है, तो फिर तो वो हर तरह पूरी बॉडी पे असरअंदाज होगी ना। मेन चीज जो है वो ये है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी यार, सांस लेने में तकलीफ होगी भाईजान, जो ये मामला है। आप भी कह रहे हैं नहीं देखा आपने आज से पहले? नहीं, मैंने भी नहीं देखे। कई लोगों ने जो है नहीं देखा होगा ऐसा। बस अल्लाह दुआ इनके लिए, बहुत दुआ इनके लिए। बहरहाल जी, बस दुआ है अल्लाह से कि बच्चों का दुख किसी को भी ना दे अल्लाह ताला, अल्लाह सबके बापता मामता कायम रखे। करना जी उन्होंने ही है, वही करते थे, वही करते हैं, वही करेंगे, जो जरिया जिसको चाहे जरिया, लेकिन तकलीफ हुई, दुख हुआ देखकर, और हम पहली बार देखा है ऐसा। हम सबको देखकर एक समझ लें कि अच्छा नहीं लग रहा, तो यकीनन जो वालदैन हैं उन पर क्या गुजरी, खासतौर की जो वालदा हैं उन पर, के जो वालिद साहब हैं उन पर क्या गुजर रही होगी, हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते, हम सोच भी नहीं सकते। बस ये है कि बड़ी उम्मीद से इन्होंने भेजी हमें भी, पता नहीं क्यों कहते हैं रब ने मेरे दिल में ख्याल डाला, ख्याल आया आप पर, भेज दिया आपको, पूरी फैमिली की तस्वीरें शेयर कर दी, एक एक बात आपको बता दी। तो अल्लाह देख रहे हैं यार, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, ना कोई मतलब है, ना उनसे कोई हमारा मतलब है, ना हमसे कोई उनका मतलब है, कुछ है ही नहीं। दुआ की एक उससे कि शायद आपके देखने वाले हैं बड़े प्यारे हैं, तो अल्लाह पाक किसी के भी जरिए, किसी की दुआ से, लेकिन हम शरीक हैं जी। और जैसे आप जो हिम्मत रखी हुई है ना, मानते हैं कि अल्लाह पाक कह रहे हैं किताब में, तुम मेरा शुक्र अदा करोगे हम तुम्हें और देंगे। सही, सब रब की तरफ से है ना, और हालत शुक्र में ही लगे मुझे, तो वो देख रहे हैं यार, वो देख रहे हैं माशाल्लाह, कर रहे हैं पूरी कोशिश हर तरह से, अल्लाह खैर करम करे, करम किया है करम करे, अल्लाह उनकी आजमाइश दूर करे जिनसे। फिलहाल दीजिए इजाजत जी, जिंदगी रे इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।
हम्म।